एक दफा का जिक्र है कि एक बतख दरिया के किनारे रहती थी। वो बेचारी हमेशा बीमार रहती थी। एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने इसे बताया, तुम्हारी बीमारी ऐसी है कि तुम जल्द मर जाओगी। उसे ये सुनकर सदमा हुआ क्योंकि उसके पास एक अंडा था। उसे डर लगा कि अगर मैं मर गई तो इस अंडे का क्या होगा। अंडे के खोल से जल्द ही बच्चा निकलने वाला था और फिर इस बच्चे को कौन संभालेगा। लिहाजा वो अपने सब दोस्तों के पास गई जो जंगल में रहते थे। उसने अपने दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई लेकिन उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। बेचारी बतख ने उनकी काफी मिन्नतें की कि खुदा के लिए तुम लोग मरने के बाद मेरे बच्चे का ख्याल रखना। लेकिन किसी ने भी उसकी बात ना मानी। बेचारी बतख भी क्या करती, उसके जहन में ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने भाई मुर्गे के पास जाऊं, वो जरूर मेरी मदद करेगा। लिहाजा वो मुर्गे के पास गई और उसे सारा किस्सा सुनाया। मुर्ग भाई, आप मेरे बच्चे के मामू हो, प्लीज आप ही मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मुर्गा बोला, मैं तुम्हारे बच्चे को रख लेता लेकिन मेरी बेगम मुर्गी ये बात नहीं मानेगी। लिहाजा मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तुम मुझे माफ कर देना। बतख उधर से मायूस होकर अपने घर वापस आ गई और सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या किया जाए। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई और उसने मौका ढूंढकर ये काम अंजाम दे दिया। उसने अपना अंडा मुर्गी के अंडों में छुपा दिया और खुद जाकर एक दरख्त के किनारे बैठ गई। इसके बाद बतख की तबीयत और बिगड़ गई और ऐसी बिगड़ी कि उसकी मौत हो गई। जब मुर्गी के बच्चे अंडों से बाहर निकले तो उनमें एक बतख का बच्चा भी था। मुर्गा तो सब जान गया था लेकिन उसने मुर्गी को बताना मुनासिब ना समझा। मुर्गी ने काफी शोर शराबा किया और बोली, मेरे बच्चों के साथ बतख का बच्चा नहीं रहेगा। मुर्गे ने उसे काफी समझाया लेकिन मुर्गी ने उसका कहना नहीं माना। मुर्गी ने अपने बच्चों को मना कर दिया कि बतख के बच्चे से किसी को बात नहीं करनी है। एक दिन मुर्गी ने दरिया के किनारे शेर को जाने का प्रोग्राम बनाया और सोचा, हम सब वापस आ जाएंगे और बतख के बच्चे को वहीं छोड़ आएंगे, इस तरह से जान छूट जाएगी। फिर एक दिन मुर्गी अपने तमाम बच्चों को लेकर दरिया के किनारे शेर को गई। वहां पहुंचते ही एक चूजा दरिया के किनारे चला गया और डूबने लगा। ये देखकर मुर्गी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। चूंकि बतख के बच्चे को तैरना आता था लिहाजा उसने फौरन दरिया में तैरना शुरू कर दिया और उस चूजे को निकालकर बाहर ले आया। मुर्गी ने जब ये देखा तो इसे अपने किए पर काफी शर्मिंदगी हुई और उसने बतख के बच्चे से माफी मांगकर इसे अपना बेटा बना लिया। इस तरह वो सब हंसी खुशी रहने लगे। देखा बच्चों, कैसे बतख के बच्चे ने मुर्गी को बचाया और कैसे इसका भला हुआ। इसीलिए तो कहते हैं कि कर भला तो हो भला।